हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, उनसे जानते हैं बजट को लेकर जो घोषणाएं हुई हैं उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, शिक्षा को लेकर, कौशल विकास को लेकर, महिलाओं को और लेकर, कृषि को लेकर जो घोषणाएं हुई हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये चार पिलर पर खड़ी है पूरी बजट, वो है महिला, युवा, किसान, मजदूर। चाहे MSME को सुविधा दिया जाए, चाहे कृषि के सेक्टर को, चाहे एक्सपोर्ट के सेक्टर को, ये बेसिक बजट जो है यही चार पिलर पर खड़ी है। और उसके लिए जिन जिन स्टेक होल्डर की ज़रूरत है उनको भी मजबूत किया गया है, चाहे उद्यमी हों चाहे अन्य हों, तो ये किया गया है। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार का जब बंटवारा हुआ था तो सारे मिनरल झारखंड चले गए थे, और उस समय लालू जी, कांग्रेस, हम लोग सब लोगों ने एक विशेष पैकेज की मांग की थी। कांग्रेस ने नहीं दिया, लालू जी उसमें किंग मेकर कहलाते थे, उन्होंने भी बिहार को नहीं दिया। जब कांग्रेस ने नहीं दिया कि कल तक चिल्ला रहे थे विशेष राज्य का दर्जा, नरेंद्र मोदी ने ही जब प्रधानमंत्री बने तो 2015 में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, जो 2 लाख करोड़ उसमें इन्वेस्ट हुआ। और आज जो उन्होंने घोषणा की है वित्त मंत्री महोदया ने, वो बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, चाहे सड़क की परियोजना हो, चाहे हवाई अड्डे की परियोजना हो, चाहे सिंचाई की परियोजना हो, चाहे पर्यटन की परियोजना हो, चाहे गया में इंडस्ट्रियल का परियोजना हो, एक मील का पत्थर साबित।